हेलो गाइस, पीएसजी के मेरे यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा फ्लिपकार्ट के ऊपर आज से फ्लिपकार्ट वीक सेविंग डेज सेल स्टार्ट हो गया है और इस सेल के रिगार्डिंग एक ऐसा गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 पर मिल रहा है जो गाइस पहले कोई भी सेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिला था। और ये स्मार्टफोन जब गाइस लॉन्च होता तब इसका प्राइस था 30,000 के ऊपर, लेकिन सेल के अंदर सिर्फ 19,000 पर मिल रहा है। और गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर 870 प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन की तरफ से, मतलब सोच सकते हो इतना पावरफुल चिपसेट वो भी अंडर 20,000 पर। और ये स्मार्टफोन और कोई नहीं गाइस, रियलमी की तरफ से गाइस रियलमी GT नियो 3T 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन आज मेरे हाथ में है, देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर आज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा रियलमी GT नियो 3T 5G स्मार्टफोन का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैं पहले कर दिया था, आज फिर से आप लोगों के लिए डाल दूंगा। उसके साथ ही कुछ धाओं का दर फ्री फायर गेमिंग टेस्ट वो भी मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर। उसके साथ इस वीडियो के एकदम एंड पर मैं मेरा क्लियर ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यह स्मार्टफोन अभी के टाइम पर सच में लेना चाहिए या नहीं गेमिंग के मामले में। सो गाइस चलो फोन के डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लेते हैं। गाइस मेरे हाथ में देख सकते हो रियलमी GT नियो 3T 5G स्मार्टफोन का बॉक्स। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर एक छोटा सा बॉक्स देखने मिलता है जिसके अंदर कुछ रियलमी की तरफ से लव लेटर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ ही एक सिम इजेक्टर पिन। नेक्स्ट गाइस बॉक्स के अंदर हमारा डिवाइस देखने को मिलता है जो गाइस देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको अभी साइड में रख दिया। उसके बाद गाइस बॉक्स के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एक सॉफ्ट सिलिकॉन का टीपीयू केस, एक 2 वाट का सुपर डॉट चार्जर और नेक्स्ट है एक टाइप A टू टाइप C डाटा केस। सो गाइस यह था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो, अभी गाइस इस स्मार्टफोन का कुछ धमाकेदार फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को भी देख लेते हैं। लेकिन गाइस गेमिंग टेस्ट को देखने से पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना, उसके साथ अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना जिससे मेरा हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाएगा तुम्हारे पास। सो यहां पर गाइस देख सकते हो हमारा फ्री फायर गेम तो पहले से ही इंस्टॉल था इस स्मार्टफोन के ऊपर, जिसके वजह से गाइस यहां पर देख सकते हो डाउनलोड जो पैक होता है, गेम का पैक होता है सारा डाउनलोड है, कुछ कुछ डाउनलोड नहीं है लेकिन ज़्यादातर पैक यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रखा पहले से। अभी गाइस इस स्मार्टफोन का ग्राफिक्स और सेंसिविटी देख लेते हैं। सो गेम के अंदर जाने के बाद सेटिंग्स के ऊपर गाइस देख सकते हो सेंसिविटी यहाँ पर जनरल तो 100 है, रेड डॉट पहले से ही 90 करके रखा मैं। और डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हो फुल मैक्स ग्राफिक्स के साथ मैं खेल रहा हूँ इस स्मार्टफोन के ऊपर, उसके साथ हाई पेस शैडो कलर फिल्टर सब कुछ गाइस पूरा हाई ग्राफिक्स के ऊपर सेट है। अभी गाइस सबसे पहले क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइस फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही 4v4 फुल मैप मैच का गेम प्ले भी दिखाएंगे। सो गाइस चलो देखते हैं फुल मैप मैच और क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच दोनों मैच के अंदर ही मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है, क्या हीटिंग लगेगी, कुछ भी ऐसे होगा। अगर होगा तो मैं आप लोगों को क्लियर आंसर दे दूंगा वीडियो के एकदम एंड पर, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना। अभी गाइस देख सकते हो क्लैश स्क्वाड मैच का तो पहला राउंड ओपन हो गया, पहला राउंड पर मेरे हाथ में है M500 पिस्तौल। सो गाइस चलो फाइट सीन के ऊपर चलते हैं और इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी देखते हैं। अभी गाइस फाइट सीन के ऊपर तो आ गया लेकिन एनिमी कहां है, अरे भाई सब पीछे से एक एनिमी मार रहा है देख सकते हो, इसको एक ओपी वाला 272 का वन टाइम हेडशॉट मार दिया। अभी हेडशॉट देकर ही फिनिश कर देते, सो हेडशॉट देकर फिनिश भी कर दिया लेकिन गाइस दो एनिमी अभी भी अलाइव है। सो गाइस चलो देखते दो एनिमी को हेडशॉट लगता है क्या नहीं। सो यहाँ पर गाइस एक एनिमी तो मेरा टीममेट ही मार दिया और एक एनिमी मेरे सामने आ गया है, भाई साहब सामने आकर खेल रहा है वो भी कटाना लेके, भाई ले कटाना से मैं इसको मार दिया। सो गाइस यहाँ पर एक हेडशॉट तो लगा था, दूसरे बंदे को कटाना से उड़ा दिया और दो किल के साथ पहला राउंड हम जीत गए। अभी गाइस पहले राउंड के बाद फोन का सेंसिटिविटी की बात करें तो गाइस सेंसिटिविटी लाजवाब देखने के लिए मिलता है इस फोन का, और क्यों नहीं होगा भाई, 30,000 का स्मार्टफोन है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन था और फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन के अंदर सेंसिटिविटी नेक्स्ट लेवल ही होता है। इतना अच्छा सेंसिटिविटी की क्या बताऊँ, थोड़ा सा ड्रैग करने से गाइस हेडशॉट पूरा आसमान के ऊपर चला जाता है, अगर ड्रैग इधर उधर हो जाएगा तो सीधा आसमान के ऊपर चलेगा, इतना अच्छा सेंसिटिविटी स्मार्टफोन का। और इतना अच्छा गाइस सेंसिटिविटी का मेन रीजन है इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले। सो गाइस चलो सबसे पहले इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। रियलमी GT नियो 3T 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.62 इंच का एक फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 1300 nits पीक ब्राइटनेस देखने मिलता है जो अंडर 20,000 पर बहुत कम स्मार्टफोन के अंदर जो अभी के टाइम पर देखने के लिए मिल रहा है। और इतना अच्छा ब्राइटनेस होने की वजह से गाइस व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बढ़िया है आउटडोर कंडीशन में, अगर सनलाइट कंडीशन में आप गेम खेलोगे तो व्यूइंग एंगल्स पर कोई भी इशू आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो गाइस नॉर्मल LCD IPS डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा व्यू एंगल गाइस प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर सुपर AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से व्यूइंग एंगल
डिस्प्ले का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस और एक चीज, अंडर 20,000 पर तो बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन के अंदर E410 का एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलता है। सो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, और गेमिंग के लिए इस डिस्प्ले के अंदर मेन फीचर से 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, और 120Hz रिफ्रेश रेट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत स्मूथनेस है इस डिस्प्ले के ऊपर। उसके साथ ही 360Hz टच सैम्पलिंग रेट भी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। सो गेमिंग के मामले में तो ये डिस्प्ले पूरा मक्खन है। इसके अलावा गाइस इस डिस्प्ले का स्किन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 92.60% स्किन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा, और 92% को ऊपर स्किन टू बॉडी रेशियो, मतलब भाई सोच सकते हो बहुत ज़्यादा कम बेजल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इस स्मार्टफोन के अंदर। और इस स्मार्टफोन का जो नीचे का चिन होता है ना, वो भी गाइस बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सो गाइस अंडर 20,000 पर डिस्प्ले के अंदर इतना सारा फीचर्स है, जिसकी वजह से रियलमी ने प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान रखा है। इस डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5th जनरेशन का सपोर्ट, सो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी धासु है डिस्प्ले का। सो गाइस इस डिस्प्ले के अंदर फीचर्स इतना ज्यादा है ना, कि फीचर्स को बोलते बोलते यहाँ पर क्लैश स्क्वाड मैच खत्म हो गया है गाइस, देख सकते हैं। और सेंसिटिविटी गाइस नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिला है, इतना अच्छा सेंसिटिविटी गाइस अंडर 20,000 पर किसी भी स्मार्टफोन के अंदर मेरे हिसाब से अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस यहाँ पर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन भी खत्म और क्लैश स्क्वाड मैच भी खत्म। अभी गाइस चलो लॉबी के अंदर चलते हैं, और वहाँ पर जाके फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर फुल मैप मैच का 4v4 फुल मैप मैच का कुछ गेम प्ले देखते, उसके साथ ही बाकी स्मार्टफोन का जो फीचर्स है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो लॉबी के अंदर तो आ गए, और ग्राफिक्स के अंदर कुछ भी छेड़खानी मैंने नहीं किया है, मतलब गाइस मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर अभी भी गेम चल रहा है, और मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो 4v4 एक बैटल रॉयल स्टार्ट कर दिया। अभी सबसे पहले लॉबी ओपनिंग स्पीड देखते हैं स्मार्टफोन का, कितना सेकंड्स पहले, मतलब अगर मैच स्टार्ट होने का कितना सेकंड्स पहले लॉबी ओपन होता है वो गाइस देखने का चीज़ है। सो यहाँ पर लोडिंग तो ले रहा है, और गाइस देख सकते हो 39 सेकंड्स पहले, मतलब इस मैच स्टार्ट होने का 39 सेकंड्स पहले लॉबी ओपन हो गया है, और लॉबी ओपनिंग टाइम यहाँ पर बहुत ही फास्ट बोल सकते हो। अभी गाइस चलो आप लोगों को सीधा गेम के अंदर ले चलते हैं, और गेम के अंदर आने के बाद गाइस देख सकते हो थोड़ा सा लूट यहाँ पर मेरा हो गया है। मेरे सामने एक एनिमी है, भाई साहब MP40 से हेड गाइस देख सकते हो, हेड तो पूरा मक्खन के जैसे लग रहा है, थोड़ा सा ड्रैग करो हेड शॉट, भाई गजब का भेज देते हैं, बंदा कैसे मेरे सामने टिकेगा, इतना अच्छा सा अगर हेड लग जाएगा कोई बात नहीं। गाइस यहाँ पर एक किल तो मेरा हो गया है, और भी गाइस बहुत सारे बंदा यहाँ पर आया था, सो चलो उन लोगों को भी ढूंढते हैं। उसके साथ ही इस स्मार्टफोन का और भी जो हाइलाइटिंग फीचर्स था उन सारे फीचर्स को भी देख लेते हैं। रियलमी GT Neo 3T 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 870 एक ऑक्टाकोर 64-bit का 5G चिपसेट, जहां पर गाइस गेमिंग के लिए आप लोगों को GPU देखने के लिए मिल जाएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से Adreno 650 GPU, और यह GPU गाइस अंडर 20,000 पर गेमिंग के बारे में एक अलग लेवल का GPU है। सो गाइस यहां पर GPU तो गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ इस चिपसेट का एंटीटू बीमर स्कोर की बात करें तो रियलमी GT Neo 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को एंटीटू बीमर स्कोर देखने के लिए मिल जाता है 7 लाख के ऊपर, और अंडर 20,000 पर अभी तक कोई भी स्मार्टफोन के अंदर इतना ज्यादा एंटीटू बीमर स्कोर देखने के लिए नहीं मिला है। उसके साथ गाइस इस स्मार्टफोन का फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो 7 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, थोड़ा सा पुराना चिपसेट है इसलिए 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस बैटरी बहुत ज्यादा एफिशिएंस है, उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस तो तगड़ा वाला निकल कर देता है, और जितना चाहे गेम खेल लो स्मार्टफोन के अंदर मेजर हीटिंग इशू आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस अंडर 20,000 पर प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन तो नेक्स्ट लेवल है, जिसकी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन के बाद गेमिंग के लिए नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग। बैटरी और चार्जिंग के मामले में रियलमी GT Neo 3T एक ऐसा स्मार्टफोन है क्या ही बताऊं, क्योंकि यहाँ पर 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाए, उसके साथ ही बॉक्स के अंदर 80W का चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से गाइस ये स्मार्टफोन लगभग 30 मिनट्स के अंदर 0 to 100% चार्ज हो जाता है। सो यहाँ पर गेमिंग के लिए मैसिव बैटरी भी है और फास्ट चार्जिंग भी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसके साथ गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर 5129mm का वेपर कूलिंग सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी है, मतलब गाइस स्मार्टफोन तो ज्यादा हीट ही नहीं होता है, और लीनियर मोटर का भी सपोर्ट है, सो हैप्टिक फीडबैक यहाँ पर डिसेंट देखने के लिए मिलता है। अभी गाइस ये स्मार्टफोन का गेमिंग के लिए तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो कैमरा, और कैमरा स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर रियलमी वालों ने अच्छा खासा दिया है, क्योंकि रियर सेट के ऊपर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर मेन सेंसर है 64MP का, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP डेप्थ सेंसर, उसके साथ ही जो फ्रंट कैमरा है वो गाइस 5-hole डिस्प्ले के साथ 16MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर, और इस स्मार्टफोन का रियर कैमरा के मदद से 4K 60fps का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और फ्रंट कैमरा के मदद से 1080
भी 30 fps का ही मैक्सिमम रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। सो कैमरा स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर धांसू है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर ब्लूटूथ वर्सन 5.2, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई 6 जनरेशन का सपोर्ट और प्रॉक्सिमिटी जायरोस्कोप जैसे बहुत सारे छोटे-छोटे सेंसर, उसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट है। और इस स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, एक साल पुराना स्मार्टफोन है, इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने मिल जाएगा रियलमी यूआई 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। लेकिन अभी के टाइम पर एंड्रॉइड 13 के ऊपर चल रहा है और रियलमी यूआई 4.0 भी आ गया है। सो गाइस ये था रियलमी जीटी नियो 3T 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गाइस फोन तो नेक्स्ट लेवल है बोल सकते हो गेमिंग के मामले में। अभी इस प्राइसिंग की बात करते हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑफर चल रहा है और इस ऑफर के अंदर इस स्मार्टफोन का तीनों वेरियंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बेस वेरियंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट 20,000 पर, 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट 21,000 पर और 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरियंट 22,000 पर। और हर एक वेरियंट पर अभी के टाइम पर 1,000 का कैशबैक भी है। सो बेस वेरियंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट आप लोगों को अभी के टाइम पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 पर। और 19,000 के हिसाब से गाइस इससे ज्यादा पावरफुल गेमिंग डिवाइस अभी के टाइम पर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते गाइस, कोई भी मोड खेल लो, मतलब गाइस फुल मैप, रैंक मैच, क्लैश स्क्वाड मैच, मैक्स ग्राफिक्स को पर खेल लो, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा भी लैगिंग इशू इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके साथ हीटिंग इशू की बात करते गाइस, मेजर हीटिंग इशू इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं है। सो गाइस अगर आप सोच रहे हो 120,000 पर कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए, तो आंख बंद करके इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। यह स्मार्टफोन गेमिंग के हिसाब से आप लोगों को निराश नहीं करेगा। सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। चलो गाइस मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।